और श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ दर्दनाक आर्थिक संकट ने मुख्य रूप से उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया है जो आर्थिक रूप से अधिक कमज़ोर हैं। और अब यहाँ तक पेट्रोल, तेल और खाद्य पदार्थों की किल्लत भी हो गई है। पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अब यहाँ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित हो चुकी है, जिससे वहाँ के हालात और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋण देने वाली एजेंसियों और द्विपक्षीय भागीदारों, विशेष रूप से भारत, आपातकालीन ऋण में देने के बावजूद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी तक 150 से अधिक आवश्यक दवाओं की कमी है, जिसके कारण वहाँ के अस्पताल दवाइयों के अभाव के कारण मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं।